आजमगढ़ पुलिस ने 16 चोरी की घटनाओं का किया खुलासा, 6 अभियुक्त गिरफ्तार, 4 नाबालिग अभियुक्त लिए गए अभिरक्षा में, 7 लाख कीमत के सामान बरामद। आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र व सिधारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार कई चोरियों की घटनाओं का सुराग लगा रही पुलिस को आखिरकार सफलता मिली और 16 घटनाओं में शामिल 10 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिसमें से 6 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 अन्य नाबालिग अभियुक्तों को अभिरक्षा में लिया गया। इन लोगों के कब्जे से 28,000 रुपये नकद समेत 7 लाख रुपये कीमत के सामान को भी बरामद किया गया है। बता दें कि चोरी की घटनाओं को लेकर एसपी हेमराज मीना के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा द्वारा अनावरण हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 2 टीम वर्दी में तथा 1 टीम सादे में थी, जिसके क्रम में थाना कोतवाली व सिधारी थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बागल अक्राम पुलिया पर कार्रवाई की गई। चोरी की 1 बुलेट बाइक, 2 ई रिक्शा, 1 चांदी की प्लेट, अन्य सामान कीमत लगभग 7 लाख रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार होने वालों में अमन पुत्र मोहम्मद असलम निवासी ब्लॉक नंबर 23 मकान नंबर 270 डीएवी काशीराम आवास थाना कोतवाली उम्र 19 वर्ष, दीपक गुप्ता पुत्र जगदू गुप्ता निवासी ब्लॉक नंबर 20 मकान नंबर 232 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली उम्र 21, रोशन अली उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद जुबैर निवासी ब्लॉक नंबर 24 मकान नंबर 284 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली उम्र 24 वर्ष, सरफराज अहमद पुत्र नसीम निवासी ब्लॉक नंबर 31 मकान नंबर 370 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष, साहबान पुत्र इस्तेखार निवासी मोहल्ला बड़ागांव थाना घोसी जनपद मऊ हाल पता ब्लॉक नंबर 50 मकान नंबर 599 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष व मोहम्मद हुसैन उर्फ झिंकू पुत्र रहमुद्दीन निवासी दर्जी मोहल्ला कस्बा मरदा थाना मरदा जनपद गाजीपुर हाल पता बंधार रोड दिशा कोचिंग के सामने थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को समय रात्रि 2:25 पर गिरफ्तार किया गया तथा 4 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्त जाहिद पुत्र आमिर निवासी ब्लॉक नंबर 24 मकान नंबर 282 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली दिनांक 24 अगस्त 2024 से जिला कारागार आजमगढ़ में निरुवध है। अभियुक्त मुकुल वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी सीताराम दलालघाट थाना कोतवाली फरार चल रहा है। मुबारकपुर इस तरीके से टोटल मिला के 16 जो चोरी की जो घटना है उसका अनावरण किया जा रहा है, जिसमें अभी लोगों ने उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो एक है अमन पुत्र असलम, एक कोतवाली के रहने वाले पुत्र है दीपक गुप्ता, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं, रोशन अली है, इसके अलावा सरफराज हैं, साहबान हैं और मोहम्मद हुसैन उर्फ झिंकू, और इसके अलावा 4 इसमें बाल अपचारी है, सभी को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक जो अभियुक्त है जाहिद पुत्र आमिर, ये किसी अन्य मामले में पूर्व में जेल में मौजूद है और एक व्यक्ति है उनसे भी भाग गया मुकुल वर्मा। टोटल मिला के इन लोगों के 7 लोगों की आज गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 1 मोटरसाइकिल मिली है, बुलेट मोटरसाइकिल, और 2 ई रिक्शा मिले हैं। इसके अलावा अन्य जो कई इस तरह की जो सामग्री जो इन्होंने सभी घटनाओं में चोरी की गई थी उनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए के आसपास में है और ये लोग लगातार पिछले कई दिनों से चोरी कर रहे थे और शहर में और आसपास के जो थाने हैं उन सभी में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। हम लोग इसमें काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि इस तरह की जो घटनाएँ कैसे हो रही है। जानकारी ये मिली थी कि ये लोग रात्रि में ई रिक्शा लेकर निकलते थे और जहाँ पर भी इनको लगता था कि किसी घर में कोई रह नहीं रहा है या कोई चला गया है उसको पहले दिन में चिन्हित कर लेते थे और उसके बाद में फिर रात में जाके लोग उसमें चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और ये काफ़ी दिनों से चोरी कर रहे थे और इन्होंने अब तक करीब 16 जो घटनाएं उठी हैं और इसमें कोतवाली की 5 घटना है, सिधारी की 4 घटना है, रानीसराय की 2 घटना है, चंद्रापुर की 1 घटना है, निजामाबाद की 2 घटना है, बलरियागंज की 1 घटना है और मुबारकपुर की 1 घटना है। ऐसे टोटल मिला के 16 घटनाओं का उन्होंने खारिज किया है और इनके जो इनसे संबंधित जो सामान की उनसे बरामदगी की गई है इसमें करीब इनके पास से 28,000 रुपया करीब नकद मिला है। इसके अलावा जो बाकी सामान मिले हैं, मोटरसाइकिल मिली है, 2 ई रिक्शा मिले हैं, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस पूरी जो टीम ने जो उन्होंने काम किया था उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। तो
लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी वो पुलिस की जो साथ में इस तरीके से ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई घटना ना हो, लेकिन ये लोग ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए, और पुलिस को भी लगता था कि ई रिक्शा वाला है, लेकिन ये ई रिक्शा का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से कर रहे थे, चोरी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि कोई पकड़ा ना दे सके। और इसमें हमारी टीम ने काफी मेहनत किया है और इन सभी घटनाओं का एक सफल अनुभव किया है। अलग अलग है ये, इन्होंने गैंग बना रखा था और फिर ये सारा सामान बेचना, इसमें कबाड़ी भी है जिनके यहाँ पे सामान बेचते थे, इसके अलावा इसमें जो भी घर में बर्तन मिलते थे, सोने चांदी के सामान मिलते थे, उन सबको अलग अलग जाके बेचना, फिर उसके बाद में आपस में जो पैसा मिलता था उसको बांटना। अभी तक की जो जानकारी मिली है, इन्होंने यहाँ पे घटना की और एक घटना इनके द्वारा प्रकाश मारिये के नाम भाव में भी घटना की है, उसकी जाँच हम कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से चोरी किया था।